नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा शर्मा। सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं कि आज हमारे बहुत अच्छे जो हमारे काबिल देश के सैनिक हैं वो आपसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे आज की जनता को आप? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीजे रानडे, भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ 64 में फील्ड मार्शल करियप्पा ने स्थापित की थी। आपने जनरल थिमैया, लेफ्टिनेंट जनरल थोरात, जनरल कुलकर्णी इत्यादि लोगों को साथ लेकर के, उन संस्थाओं को साथ लेकर के एक डेमोक्रेटिक, एक सेक्युलर और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म से सैनिकों के कल्याण करने वाली संस्था स्थापित की। आगे चल के लेफ्टिनेंट जनरल थोरात ने महाराष्ट्र की यूनिट 1970 में स्थापित की। हमारे पास महाराष्ट्र में कार्यालय आज़ाद मैदान में है, हर जिले में कार्यालय है और दिल्ली में एक एकड़ ज़मीन में न्याय मार्ग के ऊपर राष्ट्रीय कार्यालय है। 4.5 लाख राष्ट्रीय सदस्य है। महाराष्ट्र में हमारे 24 लाख मेम्बरान है। अब इस संस्था का सबसे पहले अध्यक्ष जो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल SPP थोरात, वो दूसरे महायुद्ध के बहुत माने हुए योद्धा थे। आगे चल करके जो भारतीय सेना का पुनर्गठन में बहुत बड़ा काम रहा, कोरिया में यूनाइटेड नेशंस राष्ट्रसंघ के साथ बहुत बड़ा काम रहा और आने वाली संकट जो चीन की थी वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन उस विषय के आगे न जाते हुए हम 116वीं उनकी वर्षगांठ पर आज़ादी होने के बाद भारतीय सेना का जो पुनर्गठन और उसके बाद दुनिया की राष्ट्रसंघ के साथ कदम रखने का भारतीय सेना का बात हम आज सभी के सामने लाने वाले हैं। इस वर्षगांठ पर 12 अगस्त 2021 में 10:30 बजे एक संगोष्ठी वेबिनार द्वारा, दूरदर्शन द्वारा होने वाली है। इस संगोष्ठी में हम इस संदेश को देना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद, आप मानो साथियों, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की सेना जो है दुनिया की सबसे काबिल, सबसे जुर्रत वाली सेना थी। आगे चलते हुए जब बंटवारा हो गया तो भारत में 2/3, पाकिस्तान में 1/3 गए। छोटा मोटा लड़ाई भी हुआ 48 में। अब दुनिया के सामने जो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को जो है 3.5 फुट के ऊपर उनको पीछे हटाया, इम्फाल से लेकर के सीधा मांडा लेके समुंदर में डाल दिया दरिया में, इस सेना का जो छवि है, इस सेना का नाम जो है आपकी दुआ से ये जो है भारतीय सेना को मिला। कारण 2/3 भारत में आए, नेहरू जो है धर्मनिरपेक्ष रहे, गुट निरपेक्ष रहे। कारण पाकिस्तान धीरे धीरे ब्रिटेन का तो था ही, लेकिन अमेरिका की गोदी में जाके बैठा। भले ही पाकिस्तान के जनरल और सेना उसी काबिल की थे, लेकिन आने वाले दिनों में भारत का जैसे दुनिया में नाम आया और भारत जो है जमहूरियत कायम रहा और पाकिस्तान में तानाशाही शुरू हुई, तो इसके चलते चलते ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम के ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर जो दरारा पैदा किया था, जो खौफ दुनिया में पैदा किया था, उसका जो है श्रेय, उसकी जो है वजूद भारतीय सेना को मिला। इस चीज़ को हम सविस्तार जानकार अनुभवी लोगों के द्वारा आपके सामने ला रहे हैं। कर्नल बख्शी जो 47 साल में भर्ती हुए जनरल थोरात साहब के साथ काम किए हुए हैं, जनरल राज काद्यान जो इसमें जो है बिल्कुल लिखा पढ़ी में तेज और बिल्कुल जानकार हैं, और उसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल थोरात के जो है साहिबजादे, वो जो है अपने आप में जो है एक इतिहासकार हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी है, रिजर्व बैंक के नाबार्ड के चेयरमैन रहे हैं, और ये तीनों आपको संबोधित करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेरे साथी समाज में काम करने वाले जानकार लोग जैसे रोहिणी गावनकर जी हैं, जैसे गोरे मैडम हैं, ये सब भी थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। तारीख 12 अगस्त 2021 से 10:30 बजे सुबह जो है आपको लिंक दिया जाएगा। जो चाहते हैं वो सेमिनार में चर्चा करना, वो जूम लिंक पे आवे और फेसबुक लाइव पे तमाम शहर, तमाम दुनिया इस चीज़ को सुन सकती है। फिर से एक बार आपको मैं न्योता देता हूँ कि आप थोरात टुडे, ये दूसरी बार हो रहा है, पिछले साल भी आपकी दुआ से लॉकडाउन की वजह से
दूरदर्शन के बिनतारी जो है प्रकाशन हुआ था, और अभी इसको फर्दर दूसरी गांठ है इस चीज़ की। और हमारी संस्था जो है 50 साल पूरे होने के बाद आगे चल रही है। इस अवसर पर हमारे साथ जरूर शरीक होए, आपको दोबारा न्योता देता हूँ। जय हिंद। जैसे कि देखा आपने कि ये थे राणाडे कर्नल सर, और इन्होंने अपनी बात हम सबके आगे रखी है, और इन्होंने खुद सामने से पर्सनली अपने विचार भी रखे हैं, और देश में इन्होंने जो अच्छे वर्क किए थे उनकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।